Uh, मैं ऐसा uh, कर तू खुद ही अगर कोई व्यक्ति सोना चांदी हवा में पैदा करता है हमारे देश में इतनी गरीब जनता है उनके लिए क्यों नहीं बनाता डॉक्टर बनना है एम बी बी एस करना ही पड़ेगा उसके बिना आपके पास कोई रास्ता नहीं है इज नो शॉर्टकट तो आपको एक्टिंग में या फिल्म लाइन में जाने के लिए शॉर्टकट क्यों चाहिए आप दो उसको तीन चार साल जिस लाइफ को आप जी रहे हो अगर किसी के पास स्किल नहीं है वो ये सब सेम एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है उसका आंसर है एस यू एस जो हमारे पेरेंट्स की एज पे पहुंच चुके हैं वो ये कहते हैं कि हमें राजमानी पचते एवरीथिंग कम्स डाउन टू गट हेल्थ तू लिटरली पाकिस्तान गई है यस yes, दादी शायद जिंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं जा पाए कभी अपना घर नहीं देख पाएंगे एक अच्छी सर्जरी एक मिनिमम थ्री टू फोर लैक्स नाव यू सी दस्ट उसी चीज को थेरेपी के फॉर्मस उसको ट्रीट करो तो आपका कितना पैसा खर्च हो जाएगा वॉट इज बिज गुरुकुल ना लोगो को वो स्किल्स सिखाता है जिसको वो मोनिटाइज कर सकते है डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग कॉपी राइटिंग, एकदम से कितने बताऊं 150 कोर्सेज हैं न्यूटन का law है ऊपर चीज फेंकते हैं नीचे जाती है कोई भी जादूगर किसी भी लॉक को ब्रेक करता है किसी भी लॉक के अगेंस्ट चलता है तो ही जादू होता है So आई हैव क्यूरेटेड समथिंग फॉर यू ओह माय गॉड हाउ कम दिस इज पॉसिबल वी आर गोइंग टू प्ले दिस गेम ओह माय गॉड अगर इनको चूज करती तो डम आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड And the second one was my goodness. <laughs> Magicians कितना कमा लेते हैं? Magicians कितना कमा लेते हैं? Hmm. तो बार वो केजरीवाल याद आता है कर ना। ये नेशनल क्वेश्चन है कि खाने में क्या, क्या बनाना है? <laughs> <laughs> What's the last piece of advice that you would want to give? आज चैनल का चैनल सब्सक्राइब करो। ऑल राइट right, दोस्तों एक समय था जब हम एंटरटेन हो रहे थे प्राजक्ता कोहली मोस्टली सेन के कंटेंट से भुवन भाम बीबी की वाइन्स के कंटेंट से आशीष चंचलानी कैरी मिनाटी एंड बी यू ना जाने कितने सारे अमेजिंग क्रिएटर्स और फिर एक समय आया जब हम इंस्पायर होने लगे एंड लेट मी टेल यू पर्सनली आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम रणवीर आलाबाद्या द रणवीर शो फ्रॉम राजमानी फिगरिंग आउट वॉइस बाय वारिकू एंड ऑन पर्पज बाय जय शेट्टी राजीव तलरेजा सक्सेस ज्ञान एंड अमेजिंग एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स ऑन द वेब एंड यू नो वॉट आई एम गोइंग टू यूज ऑल ऑफ दिस इंस्पिरेशन एंड विल ट्राई टू एम इट आउट सेम काइंड ऑफ एनर्जी इन माई ऑल न्यू पॉडकास्ट कॉल होक इज पोकस वेदांशल एंड इस पॉडकास्ट में आने वाले हैं इंडिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ऑल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक फिटनेस लाइक कंटेंट क्रिएशन सिनेमा एंड मैजिक एंड ट्रैवल एंड स्पिरिचुअलिटी एंड सो मच मोर यू नो वाट हमारा गोल है इज़ टू डी ह्यूमन जर्नीज एंड ब्रिंग यू गोल्डन नगेट्स इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड ढेर सारी कहानियाँ पर आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है नया ये है कि इसमें हमने डाला है मैजिक का रंगीन तड़का अंड तड़के का नाम है मैजिक सेगमेंट जो कि आने वाला है पॉडकास्ट के बीच में सो आपसे मेरी गुजारिश यही है कि पॉडकास्ट को शुरू से ना सुनकर छोड़ मत दीजिएगा एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आप देखने वाले हैं हमारे गेस्ट के अमेजिंग रिएक्शंस जिसमें मैं आंचल परफॉर्म करूंगी मैजिक विद ऑल आर गेस्ट एंड आई एम श्योर you will have a lot of entertainment entertainment and entertainment <laughs> and which makes our podcast india's first magical podcast and i'm really excited with it but about intentions so my intentions of this podcast is not to influence you at all but also to inspire you and my intention is to share to communicate to express ideas and bring awareness and provide value and entertainment to you. एंड मैं इस कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आई होप यू आर टू एंड ये पॉडकास्ट होने वाला है एक हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी मैं तो आप सबसे कम्युनिकेट करूँगी बाई अपलोडिंग लोडिंग माई कॉन्टेंट मगर आप सब भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बाई सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड फॉलोइंग अस ऑन ऑल ऑडिबल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट एंड सो मैनी मोर आप चाहें तो हमारा कॉन्टेंट शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मगर मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कैसा टाइप का मैजिक मुझसे देखना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे रेकमेंडेशंस दे सकते हैं अबाउट डिफरेंट पॉडकास्ट टॉपिक्स एंड गेस्ट बट इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ आप अपना बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम ऑल दीज पॉडकास्ट पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको उसमें क्या अच्छा लगा ये भी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए मैं आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार करूँगी एंड इसके साथ साथ मैं आपको करना चाहती हूँ ढेर सारा थैंक यू मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हर उन दो आँखों का और दो कानों का जो मुझे सुन रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ एंड मुझे आपके सपोर्ट का बहुत सारा इंतज़ार रहेगा और याद रखिए आई विल सी यू ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे सेवन पी एम